अभी गालो एंड वेलकम टू एवरीवन द 13th दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 13 दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2023। दिस इज अंकुर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर एंड सिनेमेटोग्राफर ऑफ दिस फिल्म रिक्तिता एट द 13th दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2023। मतलब तू मुझे छोड़ के जाने वाली नहीं है। क्यों कहते वो बोझ सुता को, कोई आकर देखे ये दृश्य बड़ा है। सबसे पहले तो स्क्रिप्टिंग में मुझको ऑलमोस्ट 1.5 ईयर लगा, क्योंकि ट्रैफिकिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हाउ डिड वी स्टार्ट? आवर डायरेक्टर अंकुर विंचुरकर हैड दिस अमेजिंग स्टोरी आइडिया अबाउट ओल्ड एज पीपल, ट्रैफिकिंग एंड द लवली बॉन्ड बिटवीन फादर एंड डॉटर। आफ्टर अ लॉट ऑफ सेशंस, डिस्कशंस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, वी डेवलप्ड द स्टोरी, वी रोट द स्क्रिप्ट एंड वी रीरोट इट। बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशंस, इधर पे ये छोटे छोटे पैम्पलेट्स देखता रहा हूँ। इवन कई सिग्नल्स पे, वॉल्स पे स्टिक रहता है ये पैम्पलेट्स जिसमें ओल्ड एज ट्रैफिकिंग होती है। एंड वो देख के हमेशा एक कन्फ्यूजन, और हमेशा ये लगता था कि ये जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, जो जिन्होंने पूरी दुनिया देखी, और वो अचानक वो कैसे लापता हो गए और वो वापस नहीं मिले। चैलेंजेस जो थे इस मूवी की शूटिंग को लेकर, वो सबसे पहले तो ये थे कि इट वाज प्रैक्टिकली नो बजट, वेरी लिमिटेड बजट, एंड इट वाज टू बी शॉट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, विच वाज 4 डेज। द एंटायर मूवी इज शॉट इन 4 डेज। वेल, शॉर्ट फिल्म के लिए कोई फाइनेंसर जनरली मिलता नहीं है, ना ही किसी को कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस भी नहीं दिखता, इसलिए कोई फाइनेंस नहीं लगाता है। एंड तो ये सारा जितना भी फाइनेंशियल पार्ट था, ये मैंने खुद ही किया, बेयर किया। एंड बहुत अच्छे से बनानी थी, जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मैंने उस पर शेड्यूलिंग की, प्लान आउट किया, एंड उसी पे ही फाइनेंस मेरा अच्छे से लगा है। सो देर वर मल्टीपल लोकेशन, करीब 10 तो लोकेशन थी, और अगर मैं अपनी चैलेंज या एक तरह से जो उसकी बात करूं, तो क्योंकि मेरे बहुत सारे गेटअप्स हैं उसमें अलग अलग, तो मेरी फर्स्ट चॉइस सलीम सर ही थे, प्लस उनकी जो डॉटर का रोल प्ले किया है टीना राव, सो शी इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्रिलियंट एक्ट्रेस, एंड वो भी मेरी फ्रेंड थी। तो सिर्फ आइडिया शेयर किया था सर के साथ मैंने, जब एकदम आइडिया आया था तब सर को शेयर किया था। सर को आइडिया बहुत अच्छा लगा था, हालांकि उन्होंने 1.5 साल वेट भी किया, और जैसे ही स्क्रिप्ट रेडी थी उनको बताया तो सर वाज रेडी एंड टीना इज आल्सो रेडी, उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, कॉस्ट्यूम तो बदलना ही है, गेटअप भी मतलब चेंज करना है कभी, यू नो, सो वो एक चैलेंज था। और दूसरा जो बेगिंग सीन्स है मूवी में, मैंने इनसे कहा, अंकुर से, कि मुझे छोड़ दो सड़क पे, तो वो जरा सब मुश्किल हो गया। कुछ ओवर एंथुजियास्टिक लोग जो जो समझते हैं कि हाँ, ये शराबी का या नशेड़ी का हमारे मोहल्ले में हो, वो भीख मांग रहा है, तो वो ऑलमोस्ट पिटने तक की नौबत आ गई। तो लेकिन लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं। वेल, फिल्म की USP यही है कि ट्रैफिकिंग हर किसी ने देखी है, एंड ज़्यादातर ट्रैफिकिंग फीमेल्स की है, किड्स की है, छोटे बच्चों की है, लेकिन आई थिंक ये पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें ओल्ड एज ट्रैफिकिंग को दिखाया गया है, और ये भी आज समाज में, सोसाइटी में हो रही है ओल्ड एज ट्रैफिकिंग, और ये बहुत ही मुझे लगता है सीरियस टॉपिक है जिसके ऊपर सिस्टम को भी और एक फिल्म मेकर को भी एक नज़र डालनी चाहिए कि ओल्ड एज ट्रैफिकिंग, जो घर के बड़े बुजुर्ग है, तो वो जिन्होंने दुनिया देखी है, वो अचानक से गायब हो जाते हैं और वो नहीं मिलता है, वापस नहीं आते, या वो उनके साथ क्या होता है, वो कहाँ चले जाते हैं। ओके, नाउ व्हाई शुड पीपल वॉच दिस फिल्म? मुझे लगता है कि हर इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं ओल्ड एज से वास्ता पड़ता है, अपनी से तो जब पड़ता है वो पड़ता है, पर फैमिली में कहीं ना कहीं पड़ता है, कभी पेरेंट्स से पड़ता है, कभी उससे पहले दादा दादी का पड़ता है।
तो इस प्रॉब्लम से इंसान या इस चीज से गुजरता है. अब माय एक्चुअल ग्रैंडफादर ही डाइड एट द एज ऑफ 96 और लास्ट के 3-4 साल में उन्हें अल्जाइमर हो गया था. वो समटाइम्स ही डिडंट नो वेयर ही वाज गोइंग. एक बार वो घर से बाहर निकल गए हमारे एंसेस्ट्रल हाउस में और वो पुराने टाइप के घर होते थे. वो ऑलमोस्ट रोड पर पहुंच गए. वो तो घर में लोगों को अंदाजा हो गया और भगदड़ मची तो उनको रोक लिया गया. अदरवाइज पता नहीं वो शायद बस में चढ़ जाते किसी में कहां पहुंच जाते उन्हें कुछ पता नहीं था. तो हर इंसान कनेक्टेड है इस इशू से. आई थिंक दैट इज गुड इनफ रीजन टू वॉच दिस फिल्म. वी डोंट हैव एनी फंड्स करेंटली फॉर द प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन थिंग बट हम लोग भेज रहे हैं फिल्म फेस्टिवल में एंड रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं फेस्टिवल से. होपफुली अगर ये लोगों की नज़रों में आती है और कोई प्रमोशन इसका होता है या डिस्ट्रीब्यूशन कोई इसमें इंटरेस्टेड होता है तो वुड लाइक टू गिव दिस फिल्म ऑन OTT प्लेटफॉर्म जिससे ये हर कहीं पे हर किसी को ये मैसेज दिखना भी चाहिए जाना भी चाहिए और इसके पीछे छुपी मेहनत और फिलॉसफी को भी लोग देखें कि क्यों ये बनाई और इसको मुझे लगता है ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है. अंकुर्स डिटर्मिनेशन एंड हिज बिलीफ इन हिज प्रोजेक्ट. व्हेन आई लैंडेड अप एट भोपाल एयरपोर्ट तो वो आया था उस दिन शूटिंग करके आया था. सो द ड्राइव बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट आई वॉज वॉचिंग हिम एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड. पहला दिन शूटिंग का हो चुका था मुझे कल से ज्वाइन करना था. तो उस डिटर्मिनेशन उस पैशन ने मुझे शायद मतलब मोटिवेट किया कि नहीं यार मुझे भी आई हैव टू फेस एवरी चैलेंज विद अ स्माइल. एंड अंकुर हैड गॉट अ वंडरफुल टीम. टीना राव एज अ को एक्टर वॉज एब्सोल्युटली वंडरफुल. मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ 13th दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2023 का जिन्होंने हमारी फिल्म सिलेक्ट की और हमें ये प्लेटफॉर्म दिया. ये बहुत ज़रूरी है ये फिल्म और शुक्रिया हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए. थैंक यू सो मच. My best wishes to everyone participating in the 13th Dadasaheb Phalke Film Festival 2023.